एक बार एक बेचारी नई नई बहू का नया नया विवाह हुआ, बहू बनकर आई घर में, तो चाय बना रही थी ससुर जी के लिए। ससुर जी बोले कि हम मार्केट जा रहे हैं, चाय बना के रखो। वो दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक आई, पिताजी 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप मार्केट जा रहे हैं, इलायची खत्म हो गई। ससुर को बड़ी गुस्सा आई, बोली चार दिन आए नहीं हुए, आजकल की बहुओं को कोई लाज लज्जा शर्म है ही नहीं, मूर्ख है। तो बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या हो, हमने तो इलायची मांगी है। ससुर ने कहा, अपनी सास का नाम लेती, सासू माँ का नाम लेती। बहू को तब समझ में आया कि सासू माँ का नाम इलायची है। बताओ इलायची भी कोई नाम रखता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा क्षमा करो ससुर पिताजी। अब ससुर गया इलायची ले आया, 10-15 दिन हो गए, चाय वाय बन गई, पिप गई, फिर इलायची खत्म हो गई। तो फिर एक दिन मार्केट जा रहे थे ससुर, मोटरसाइकिल पर बैठ करके स्टार्ट करके निकल नहीं वाले थे, बहू छत के ऊपर भागी भाग, पिताजी 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 रुकिए 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 रुकिए, बात सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। नाम तो ले नहीं सकते, पिताजी पिताजी सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। और जितना अच्छा उसने आगे नहीं सुना, बल्कि उसने तो ये कहा सासू माँ खत्म हो गई, मार्केट से ले आना। लेकिन उसके पहले ही ससुर अटैक आ गया, गाड़ी के नीचे अस्पताल में, पूरा घर अस्पताल में खड़ो, अब होश आओ 3 घंटा बाद। ससुर बोलो हमारी इलायची, इलायची बोले काहे हां मर रहे रो रहे। और ससुर बोलो तुम भूत बन के इतनी जल्दी आ गई। अरे बोले कौन भूत, उतना ही मैं जिंदा हूँ, चोटिया ले, अरे चोटिया ना ले, लड़का लड़का कौन बाबा हमला बागे तो महाराज की अर्जी लगवा, बन गई भूत। अरे जब बताया कोई नहीं मरा, ना कोई भूत नहीं बना, जिंदा है, माता जी है। बोले पे बहू ने तो कहा था सासू माँ खत्म हो गई।